हेलो, आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का प्रणाम। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है अमृतानंद। हम सभी को अपनी देह के साथ साथ अपने समस्त दुखों से इतना अधिक लगाव हो चुका है कि एक क्षण भी हम स्वयं को भूलने नहीं देते कि संसार में सबसे बड़ा दुख हमारे हिस्से आया है। जबकि जीवन के श्रेष्ठतम क्षण वे होते हैं जब हम स्वयं को भूल जाते हैं। देह का बोझ छोड़ने से देह द्वारा अनुभूत समस्त दुख पीछे छूट जाते हैं। मन तक दुख पहुँचने की राह देह से ही होकर जाती है, किंतु विदेह होना तो योगियों की सिद्धि है। साधारण मानव कैसे इस अमृत का रसास्वादन करे? वास्तव में यह उतना कठिन भी नहीं है। मनन कीजिए, स्वयं को भूलना कब संभव होता है? जब आप किसी कार्य में इतने तल्लीन हो जाएं कि शरीर का बोध ही न रहे। रह जाए तो मात्र मन और कार्य सिद्धि का उद्देश्य अपने अनुभव किया होगा कि यदि मन को किसी कार्य में उलझा दिया जाए तो उतनी देर शरीर की पीड़ा सो जाती है। कितना शुद्ध क्षण है वह जब मन और आपके लक्ष्य के मध्य से देह का विलोप हो जाता है। यहीं से यह ज्ञान उदित होता है कि सारे कष्ट एवं समस्त दुख शरीर से हैं। मानो हर क्षण शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित रखने के कारण हम अपना शुद्ध स्वरूप ही विसरा चुके हैं। हम पूरी तरह भूल चुके हैं कि हम अमृत के पुत्र हैं। मन से दुष्ट स्वामी कोई नहीं, तो मन से बढ़कर आज्ञाकारी दास भी कोई नहीं। दुख सताए तो दुख बिसराने के सकारात्मक और रचनात्मक साधन ढूंढने चाहिए। दुख सबके पास होते हैं। कोई इस बोझ का रोता रहता है, कोई इसे भूलकर स्वयं को अपनी अभिरुचि दीन दुखियों की सेवा और प्राणी मात्र के कल्याण में रमा लेता है। लक्ष्यहीन मन के दास से बढ़कर भाग्यहीन कोई नहीं। बस जीवन में कभी भी मन और लक्ष्य के मध्य देह को बिसराने वाले जो क्षण आए उनकी अवधि बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इसके नए नए मार्ग खोजिए। इसी मार्ग पर अमृत आनंद मिलेगा और अवश्य मिलेगा। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अवश्य शेयर कीजिएगा। भगवान आप लोग को सही दिशा मार्ग दें, जो आप लोग सफल हों।